मंडी जिला में घटित हुई सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए मंडी पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए थाना प्रभारियों को SP मंडी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। मंडी जिला में सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मंडी स्थित पुलिस लाइन में SP मंडी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। SP मंडी अशोक कुमार ने कहा कि दिसंबर और जनवरी में ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और फरवरी में इस अभियान की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए ताकि शराबियों पर नकेल कसी जा सके। कम से कम रात भर तो अंदर रखना है अगली बार, ताकि जो वो शराबी की गाड़ी ना चलाए, स्पेशली शराब के केसेस में, क्योंकि सर्दी आ रही है, लोग शराब का जो सेवन है वो ज़्यादा कर देते हैं और उससे एक्सीडेंट बढ़ने लगते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि पिछले महीने जो एक्सीडेंट बढ़े हैं वो उससे शो करता है कि कहीं ना कहीं जो है ना एक्सीडेंट बढ़ने का कारण सर्दी का ज़्यादा बढ़ना तो नहीं है। सर्दी का ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि लिकर का कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। तो आप सारे लोग इंश्योर करेंगे कि जितने इस तरह के केसेस हैं जो ड्रंकन ड्राइविंग वाले केसेस हैं, उसमें अगर आपके पास एल्को सेंसर नहीं भी है तभी भी उसकी एवलसी कटाएंगे और उसको कस्टडी में लेंगे, और कुछ नहीं तो 3-4 घंटे तो रख सकते हैं कस्टडी में। 3-4 घंटे के बाद आप उस फैमिली का कोई मेम्बर आ जाए तो उसको दे दो, और व्हीकल उसको नहीं देना है, व्हीकल तो देना ही नहीं है। व्हीकल उसका जो भी जिसने लेकर नहीं भी है, जो उसकी फैमिली का उसका दोस्त है जो भी आएगा वो उसको व्हीकल दे देना है। और ये अभियान जो है ना पूरे दिसंबर जनवरी कंटिन्यूस रहेगा, फरवरी में हम इसको रिव्यू करेंगे कि इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट जो है ड्रंकन ड्राइविंग के लिए होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।